महाराष्ट्र के मुसलमान कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमानों के वोट तो चाहिए परंतु मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं। मुसलमानों के इस सवाल पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। मुंबई में उत्तर भारतीयों के कांग्रेस से बिदकने के बाद एकमात्र मुस्लिम वोटर ही कांग्रेस के पास बचा था, वह भी उससे दूर हो गया है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार न दिए जाने से पार्टी के मुस्लिम वोटर ही नहीं नेता भी नाराज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। टिकट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 प्रचार समिति से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी ने उन्हें खुला ऑफर दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री मोहम्मद नसीम आरिफ खान ने पार्टी के लिए तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के लिए महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बनी पार्टी की कैंपेन कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया है। नसीम खान मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता है, 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 4 बार जीते हैं, 2 बार महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं। वे मुंबई और महाराष्ट्र कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा भी है और इस बार मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवारी चाहते हैं। दरअसल मोहम्मद आरिफ ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखकर आगे के चुनाव प्रचार में हिस्सा न लेने की बात कहते हुए कांग्रेस की प्रचारक समिति से इस्तीफा दे दिया था। आरिफ ने कहा, खड़गे जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रचार समिति का हिस्सा बनाया, लेकिन मैं मुस्लिम समुदाय का नेता हूं और मुसलमान मुझसे पूछ रहे हैं कि पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार के लिए कोई सीट क्यों नहीं दी। इस कारण मैं उन लोगों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा और प्रचार नहीं कर पाऊंगा। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। मोहम्मद आरिफ के खड़गे को लिखे पत्र के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन्हें खुला ऑफर दिया है। महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने ऑफर देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि आपने सिर्फ स्टार प्रचारक के पद से इस्तीफा क्यों दिया? आपको उस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए जो केवल मुस्लिम वोट चाहती है लेकिन उनका नेतृत्व नहीं। अगर आप हमारी पार्टी में आ जाते हैं तो हम आपको मुंबई से सीट देने के लिए तैयार है। वहीं AIMIM के ऑफर पर नसीम खान का भी रिएक्शन आया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों और हर जाति को सम्मान अवसर दिए। उन्होंने कहा कि मैं AIMIM को उनके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस में रहूंगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।